अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स को पढ़ रहे हैं। बच्चों कल हमने पढ़ा 8th और 18th सेंचुरी के दरमियान जो राजा थे, जो किंग्स थे, वो दो तरह की बिल्डिंग्स को बनवाया करते थे। एक तो वो किले, महल खाने और वो गार्डन्स जहाँ पे रात को ठहरा भी जा सकता था, इस तरह की बिल्डिंग्स बनवाया करते थे। और इसके अलावा वो इंड बिल्डिंग्स को भी बनवाते थे जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता था, जैसे कि किंग्स मस्जिदें तामीर करवाते थे, मंदिर बनवाते थे ताकि लोग इबादत को अंजाम दे सकें। इसके साथ साथ वो कमें बनवाते थे और पानी जमा रखने के लिए बड़ी बड़ी टैंकियाँ कंस्ट्रक्ट उनको तामीर करवाया जाता था। आज हमें पढ़ना है कि उस टाइम पर जो आर्किटेक्ट्स थे वो बिल्डिंग्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, उनको कैसे तामीर करवाया जाता था। वो कारीगर अपने इल्म को, अपनी हुनरमंदी को इन बिल्डिंग्स को बनवाने में कैसे इस्तेमाल करते थे, अपने हुनर को। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग like a roof, for example, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. बच्चों जब हमारी नज़र इन मोनूमेंट्स पर पड़ती है जिनको बहुत साल पहले बनवाया जा चुका है, तो इस कारीगरी को देखकर हम काफ़ी मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा ज़माना था जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये सहूलियतें नहीं थी जैसे कि हम आज देख रहे हैं इस ज़माने में, कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी अगर बनवाना होगा तो वो कुछ दिनों के अंदर ही मुकम्मल किया जा सकता है उस बिल्डिंग को, क्योंकि हमारे पास मशीन अवेलेबल है जो दिनों का काम मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर कर देती है वो मशीनें, और ये मशीनें उस ज़माने में बनी नहीं थी। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब हमें अपने घरों का छत बनवाना होता है, वो छत जो हमारे रूम्स के ऊपर होता है, आप खुद भी देखते हैं बच्चों, पहले ये छत आम तौर पे लकड़ी का ही होता था। जैसे कि हमारी घरों का, अगर हम अपने घरों में नज़र डालें, अपने कमरों के छत पर नज़र डालें, लेकिन आजकल अक्सर लोग जो है वो लकड़ी के बजाय स्लेब को ज़्यादा तरजीह देते हैं। एक इसलिए कि हमारे पास मशीन्स अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल है, और दूसरा ये कि इसमें वक्त भी कम लगता है। आपने खुद भी देखा होगा कि जैसे कि बिल्डिंग्स को स्लेब डाली जाती हो तो वो काम कुछ घंटों में ही अंजाम दिया जाता है। बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरीज आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज to buildings, roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called tribade or corbel. Between the 8th and 13th centuries, the tribade style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped wells. बच्चों 7th और 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, इस दौरान आर्किटेक्ट्स जो थे इन बिल्डिंग्स से ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमरे बनाते थे, इन बिल्डिंग्स के दरवाजे खिड़कियाँ बनवाते थे। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज आर वायर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबीट और कॉर्बेल्ड। बच्चों जैसे कि आप आज भी देखते हो कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो कॉलम्स के ज़रिए से बनाई जाती है उन बिल्डिंग्स को, और वो कॉलम्स जो है वो वर्टिकल शेप में होते हैं, खड़े होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और फिर इन कॉलम्स पर एक तरफ से दूसरी तरफ तक एक बीम डाली जाती है, और इस तरह की तामीर को ट्रिबीट या कॉर्बेल्ड कहा जाता है। और बच्चों ट्रिबीट स्टाइल जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है 8वीं और 18वीं सदी के टाइम पीरियड पर भी इसको अमलाया जाता था, इस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाती थी 8वीं और 18वीं सदी के बीच में। इस तरीके से मस्जिद जो है, मंदिर है, मकबरे है, और दूसरी तरह की बिल्डिंग्स को भी बनवाया जाता था।